नमस्कार दोस्तों, सेंटेंसेस का पैटर्न ऐसे होते हैं जिनको आप हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से सोच लेते हैं पर इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पर यदि आपको इस तरह से बोलना पड़े, देखो सेंटेंसेस का, कोई कुछ भी कहे मैं चाहूँगा, है ना, ये अपनी क्षमता योग्यता बहुत ज़्यादा दिखाने का बोध होता है। कोई कुछ भी कहे मैं पढ़ाऊँगा, कोई कुछ भी कहे मैं खेलूँगा, कोई कुछ भी कहे वह आएगी, कोई कुछ भी कहे मैं गाऊँगा, कोई कुछ भी कहे मैं लिखूँगा, है ना। तो कुछ शब्द समूह यहाँ पे आ जाते हैं जिनको लेकर के आपको ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो देखिए, शब्द समूह जो सिमिलर सब में है, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, और कोई कुछ भी कहे का अंग्रेजी हो जाता है से वॉट एनी वन विल, यानी कोई कुछ भी कह ले, से वॉट एनी वन विल। तो इन सारे सेंटेंस का शुरुआत करेंगे इन्हीं शब्दों से वॉट एनी वन विल। उसके बाद जो सेंटेंस बच जाता है उसको आप लिख देंगे। सिंपल तरीका है इसको लिखने के, जैसे कोई कुछ भी कहे मैं जाऊंगा, सबसे पहले कोई कुछ भी कहे, यानी से वॉट एनी वन विल, से वॉट एनी वन विल, ठीक है, कोमा दे दीजिएगा। अब बच गया क्या, मैं जाऊंगा, तो इसको सिंपल बनाइए, आई शैल गो या आई विल गो, ठीक है, ये हो गया सेंटेंस। कोई कुछ भी कहे मैं खेलूँगा, तो देखिए कोई कुछ भी कहे पहले तो क्या हो जाएगा, से वॉट एनी वन विल, क्या बच गया, मैं खेलूँगा, तो आई विल प्ले, यानी पीछे जो सेंटेंस रहेगा उसको आप लगा देंगे। सिंपल तरीका इसको बनाने का, कोई कुछ भी कहे वह आएगी, सबसे पहले कोई कुछ भी कहे तो से वॉट एनी वन विल, अब क्या वह आएगी, तो सी विल कम, ठीक है। सेंटेंस को एक बार देख ले, कोई कुछ भी कहे मैं जाऊँगा, से वॉट एनी वन विल आई शैल गो, कोई कुछ भी कहे मैं खेलूँगा, से वॉट एनी वन विल आई विल प्ले, कोई कुछ भी कहे वह आएगी, से वॉट एनी वन विल सी विल कम। अब चौथा सेंटेंस जो है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कोई कुछ भी कहे मैं पढ़ूंगा, ठीक है। ऐसे कई सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं और आपके लिए बेहतर होगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।